क्या माना जाए समाजवादी पार्टी से कोई ऐसा दिग्गज आएगा सतीश यादव के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी से तो योगी जी भी आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वो तो निकलते ही नहीं है, वो ये छोटे छोटे चुनाव में, वो तो विधायकी उप चुनाव में नहीं निकलते हैं। आपको क्या लग रहा है कि नगर पालिका चुनाव में निकल के बाहर आएंगे और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? नमस्कार, तो हम इस समय मौजूद हैं दोहरी घाट में और नाव पे हो चुके हैं सवार, क्योंकि हमारे साथ है नगर पंचायत के उम्मीदवार सतीश यादव, जिनका चुनाव निशान है साइकिल। आइए हम इन्हीं से करते हैं बात और करते हैं सवाल। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आप आए और इस नगर पंचायत दोहरी घाट का आपने हाल चाल जानने की कोशिश की, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर ले दोहरी घाट में, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए मुद्दे तमाम हैं, लेकिन दो चार मुद्दे मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। पहले तो यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों दुरुस्त कराना होगा, क्योंकि ये धरातल पे कुछ भी नहीं है, दोनों का बहुत ही बेकार हाल है। और देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा किसके 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 पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। देखिए शिक्षा जो है वो गरीब परिवार को एक बोझ की तरह है। जब गरीब परिवार जितना कमाता है उस खाने में परेशान होता है, अपने बच्चों का पेट भरने में परेशान होता है, तो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा? और रही स्वास्थ्य की बात, तो कोई ऐसा घर नहीं है जो जहाँ अगर 100 रुपया व्यक्ति कमाता है तो उसमें उसका 50 रुपया दवा में न जाता हो, तो आदमी कमाएगा और खाएगा क्या? सबसे बड़ी समस्या इस बात की है। इस दोनों चीज़ों को मैं सुव्यवस्थित तरीके से इस नगर पंचायत दोहरी घाट में सही करूँगा और जितना मुझसे होगा मैं इस जनहित में कार्य करूँगा। और यहाँ के लोगों से मेरी अपील है कि अगर इस बार बदलाव चाहते हैं तो एक युवा को चुनें, क्योंकि युवा जब चुन के आएगा तो काम करेगा, और काम करता है युवा, ये आप भी जानते हैं, और हम यहाँ कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य होता है। बात करेंगे जहाँ पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी का बोलबाला है, बीजेपी के ही यहाँ पे ज़्यादातर चेयरमैन रहे हैं, उस कड़ी को कैसे तोड़ेंगे सतीश यादव? देखिए मैं पार्टी बहुत मायने नहीं रखती है, बहुत बड़ा वो नहीं है जिसे कि पार्टी, यहाँ जनता नेता चुनती है, जो जनता अपने हक में जो उनके लिए लड़े, जो उनके दुर्दिन में काम आवे, जो उनके लिए हमेशा खड़ा रहे, रात दिन खड़ा होके उन जनता की समस्या को सुने, ऐसे लोग चुन के आते हैं। हाँ रहा बीजेपी का, यहाँ बीजेपी ने बहुत चेयरमैन पाए हैं यहाँ नगर पंचायत से, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार ऐसा कौन सी रणनीति सेट करेंगे आपकी, ये रिकॉर्ड टूटेगा? रणनीति क्या है आपके पास? क्या है, जनता के बीच में मैं 12 साल से लगातार हूँ, जनता के सुख दुख में रहा हूँ, जनता को भली भांति अच्छी तरह से जानता हूँ, यहाँ की धरातल की समस्याओं को जानता हूँ। इसके पूर्व भी चेयरमैन लोग रहे हैं, सारे लोगों को जनता ने देखा है। कुछ ऐसे चेयरमैन साहब लोग हैं जो इस बार भी दावेदारी कर चुके हैं, पिछले बार भी चेयरमैन रहे, इस बार भी दावेदारी कर चुके हैं, तो जनता अच्छी तरह से जानती है इन लोगों को। ये जब सत्ता में बैठते हैं या नगर पंचायत के सीट पे बैठते हैं तो लूट खसोट का ही काम होता है, उसके सिवा कुछ होता नहीं है। क्या माना जाए, जैसे चुनाव आता है, जिस तरह आपने कहा कि 12 साल हो गए जनता का सेवा करते हुए, मगर एक चीज़ देखा भी गया है कि जैसे चुनाव आता है लोग जाति बिरादर और पार्टियों को चूज करने लगते हैं, उस चेहरा को भूलने लगते हैं जो मुसीबत के समय में काम आए। ये सर्व समाज की बात करता हूँ मैं, न जात पे जाता हूँ न पात पे जाता हूँ, मेरे यहाँ हर वर्ग के लोग आते हैं, मेरे साथ चलने वाले लोग हर वर्ग के हैं, और मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता। मैं युवा हूँ और मैं चाहता हूँ इस नगर पंचायत दोहरी घाट में काम हो, यहाँ के नाले, यहाँ के सड़क जो भी टूटे फूटे, जो भी जाम पड़े हुए हैं, सबको सुव्यवस्थित तरीके से करके नाले की व्यवस्था सही की जाए। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे नॉलेज में एक सड़क है जो मुक्ति धाम रोड पे है, जब पानी आता है, बरसात होती है और पानी का जमाव इतना, पैर पूरा डूब जाता है, सबसे पहली प्राथमिकता में मेरा वो रहेगा। मैं उस, जैसे मैं नगर पंचायत की सीट पे बैठूंगा, जनता मुझे सराहेगी, मैं आपको बता देता हूं सबसे पहला प्राथमिकता वो रहेगा कि उस सड़क को मैं बनवाऊंगा, चाहे जैसे भी बने, जिस तरीके से बने, जिससे ऐसे भी ठीका टेंडर करके बनाया जाए, उसको बनवाने का काम मैं करूंगा।
एके शर्मा है, ऊर्जा मंत्री है, वो लगातार इस समय नगर पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव में उनकी एंट्री हो चुकी है और वो कहीं ना कहीं काफी मजबूत कर रहे हैं बीजेपी को। कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में इतने बड़े नेता का आ जाना? पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, आदरणीय हैं, तो अपने पार्टी के लिए तो चलेंगे ही चलेंगे। क्या माना जाए समाजवादी पार्टी से कोई ऐसा दिग्गज आएगा सतीश यादव के लिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी से तो योगी जी भी आ रहे हैं, उनका भी कार्यक्रम है मऊ में, ऊर्जा मंत्री खुद ऊर्जा भरने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी में कौन है जो ऊर्जा भर रहा है युवा सतीश यादव को? समाजवादी पार्टी का एक नेता हूँ मैं और जरूरत पड़ेगी तो हमारे बड़े नेता भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वो तो निकलते ही नहीं है, वो ये छोटे छोटे चुनाव में, वो तो विधायकी उपचुनाव में नहीं निकलते हैं। आपको क्या लग रहा है कि नगर पालिका चुनाव में निकल के बाहर आएंगे और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बड़े नेता हमारे हर चुनाव में निकलते हैं, प्रमुखी में निकलते हैं, जिला पंचायत में निकलते हैं, हर चुनाव में निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपील क्या करना चाहेंगे, हमारा लास्ट सवाल होगा, दोहरी घाट की जनता से? देखिए, दोहरी घाट की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा, योग्य चुने, शिक्षित चुने और बढ़िया चुने और इस नगर पंचायत का जो सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से ध्यान रख सके वैसा चेयरमैन चुन के लाएँ और नगर का विकास करें। तो ये तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सतीश यादव साइकिल पे हो चुके हैं सवार और हम हैं नाव पे सवार। बातें इनसे हुई हैं, इन्होंने दावा किया है कि इस बार नया चेहरा मतलब युवा को दोहरी घाट की जनता मौका देगी। अब देखना यह है कि दावा तो कर रहे हैं मगर दोहरी घाट की जनता इनका कितना साथ देती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही चेहरे से मिलाते रहेंगे, आपको रूबरू कराते रहेंगे, नगर पंचायत चुनाव का तस्वीर दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।